करता हूँ, मोदी जी टाइम है, इस पब्लिक को इतना परेशान नहीं करो कि ये संघर्ष पे उतर आए, संघर्ष से क्रांति पे, क्रांति से एक युद्ध पे, एक भी सब एक गृह युद्ध ना हो जाए इस देश में। 10,000 वाहनों के साथ दिल्ली कूच करके पानीपत वालों ने आज एक नया इतिहास रच दिया। इतिहास रच दिया है पानीपत वालों ने, बिल्कुल इतिहास रच दिया है। वास कर रहे बैठ कर संसद में, तू यू चीज देख लेना, इसका नुकसान क्या है। अब की बार मैं अपनी बता रहा हूँ, सरसों की फसल थी, सरकार जो है फड़े जो सरकार की सरकारी एजेंसी वो खरीद करती थी सर, वो खरीद करके हमारे गरीबों में भाई, मजदूरों में, हमारे जितने भी राशन कार्ड वितरित है भाई, सभी प्रकार के भाइयों में जिनको भी राशन मिलता था या फिर कोई आम आदमी भी है उसको भी रिटेल के द्वारा सीधा मिलता था, वो रेट क्या था, 80-90-100 तक था लास्ट। और आज 2 महीने का रिजल्ट है ये, 200 रुपए लीटर तो सरसों का तेल हो चुका है, क्योंकि फड़ और कोटे में अभी सरसों का तेल नहीं मिल रहा, क्योंकि उसने खरीद की नहीं। सारी खरीद कौन कर रहा, पानी डाणी नोलते में गोदाम बन गया, लोकल मंडी लगती थी बंद कर दी। तो देखिए हमारे साथ फिलहाल यहाँ पर कुछ किसान भाई हैं, वो भी दिल्ली यहाँ से अभी कुछ देर में निकलेंगे, ये बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो भाई हरियाणा रिपब्लिक को, सभी दर्शकों को, पूरे देशवासियों को हमारी तरफ से राम राम, सारे किसान भाइयों की तरफ से। आज 10 जून की जो तारीख थी, आज पानीपत जत्थे का दिल्ली रवाना था, और जो हाल फिलहाल में हमारी केंद्र की सरकार है, जो दमनकारी सरकार है, एक अंग्रेजों से भी ज़्यादा जो शोषी सरकार है, उसके खिलाफ आज पानीपत ने बिगुल फूका। और आज ही नहीं, ये तो निरंतर साल से चल रहा है जो किसानों का विरोध चल रहा है, लेकिन आज इस जत्थे में 10,000 गाड़ियों से ज़्यादा के जत्थे में दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। और भाई साहब हम यही कहना चाहते हैं कि हम कोई अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे गरीब मजदूर शोषित अमीर गरीब वर्ग, क्योंकि पेट हर किसी को है, भूख हर किसी को लगती है, ये किसी अकेले का वजूद नहीं है, ये अकेला किसान का आंदोलन नहीं है, ये किसान का आंदोलन नहीं है, पूरे देश का नहीं पूरे विश्व का आंदोलन है। आने वाली पीढ़ियों को इससे सीख मिलेगी और हर एक समाज को ये अच्छी दिशा में लेके जाएगा। इस सरकार ने इस देश को पता नहीं क्यों व्यापारियों के बेचने का इस देश का ठेका ले रखा। इस सरकार ने जिस प्रकार से मजदूर किसान और हर वर्ग को दुखी किया, कुछ तो कोरोना महामारी से दुखी थी पब्लिक, कुछ बेरोजगारी है, कुछ शिक्षा के मुद्दे हैं, स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, आपने हर टाइम देखा, कोरोना काल भी देखा सर, तो हर कोई मुद्दा कोई भी उठा के देख लो, ये सरकार हर मामले में फैल होती नजर आ रही है। और अपेक्षा हम ये नहीं करते कि भाई यही सरकार, हम ये कहे भी काम करें, हमको किसी सरकार के किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं है, हम धरती से जुड़े हुए आदमी हैं, हमें हमारी मांग जो काले कानून है वो तीनों वापिस ली जाए, एक MSP गारंटी ली जाए, गारंटी दी जाए, कोई हमको ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे, कानून हमारे पे थोपा जा रहा है, हम तो ये कह रहे भाई इसको वापिस लो, हमारा कहने का मतलब इसको वापिस लो, जो आप चीज़ ज़बरदस्ती दे रहे हो मैं नहीं चाहती, आप हमारा फायदा करना चाहते हो ना, तो हमारे देश में तकरीबन 27,000 मंडियों की डिमांड है, वो दो ना सरकार, 27,000 मंडी दो देश में, जो देश की डिमांड है, और एक MSP गारंटी दो। आज के टाइम चाहे कोई पानी वाला है, चाहे कोई जूस वाला है, या फिर किसी कोई भी व्यापारी कोई भी वर्ग है, हर कोई अपनी चीज का खुद वस्तु का मूल्य तय करता है, लेकिन हमारा जो किसान है अन्नदाता है उसकी कोई सूद लेने वाला नहीं। आजादी के 70-80 साल के बाद भी हमारे देश की हालत है, किस देश का अन्नदाता किस प्रकार से दुखी है, कितने किसान जो खासकर भाई साहब मैं कहना चाहता हूँ कि मीडिया दिखाती भी नहीं है, ये सच बात है, क्योंकि हमारे देश का मीडिया तंत्र बिक चुका है, इस सरकार के हाथों बिकाऊ हो चुका है, कितने ही पब्लिक, कितनी हमारे किसान और मजदूर, कितने मतलब कि डेली की बात कह रहा हूँ मैं, डेली इतने आदमी फांसी लेते हैं कि मतलब कि कोई देखने सूद लेने वाला नहीं है, उसके बच्चे क्या करेंगे भाई, उनका कैसे पालन पोषण होगा इतनी महंगाई के टाइम में, और इस महामारी के टाइम में इन्होंने तो लॉकडाउन लगा दिया, इन्होंने लॉकडाउन लगाया तो ये कानून पास करने की क्या जरूरत थी, ये आंदोलन को क्यों करे है, ये बदनाम कर रहे भी किसान कोरोना फैला रहा, अभी दिखाओ कोरोना कोई केस है बॉर्डर पे, दिखाओ कोई, ये कोरोना क्या धारे धारे नाम का है क्या, देश में किसे कोरोना ना है क्या, वो भी समय कोरोना ना है क्या, और जब कोरोना है ये बीमारी है एक्चुअली है, तो फिर क्यों तुम सरकार ये अपना भाई अपना ढोल पीट रही है, किया क्या किया आज तक देश ने, सारा देश सारा मीडिया अडानी अंबानी सब कुछ इसने खरीद लिया, और चौथी चीज़ किसको जरूरत नहीं है। आप सबने देखा किस तरह से आज
भारी संख्या में जो किसान थे दिल्ली, उन्होंने कूच किया और बिल्कुल सफलतापूर्वक इस पूरे कार्यक्रम को किया गया। जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने भी किसानों को काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट किया और किसान भाइयों ने बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे यात्रा को यहाँ से निकाला। और आपने भी देखा, शायद आज से पहले आप लोगों ने भी ऐसा दृश्य पानीपत में ना देखा हो, तो जो लोग घर बैठकर ये पूरा प्रसारण देख रहे थे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहें हरियाणा रिपब्लिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।